ओ भाई, हम आपके मुंतजर हैं मौलवी साहब, आधा घंटे से आपके मुंतजर हैं। ओ ज़रब उमरी वाले मौलवी, वो चैलेंज, मैं अभी कॉल भी नहीं लूंगा। अब जब तक ये मौलवी साहब नहीं आते ना, कॉल नहीं लूंगा मैं नहीं के इंतजार में। ओ ज़रब उमरी वाले, आ गया मौलवी साहब, मौलवी साहब की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी जनाब, आ जाओ, मौलवी को बुलाओ। आवाज आ रही है, आवाज आ रही, मौलवी साहब को बुलाए ना। जी 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 जी, पिक्चर आपका फ्रीज है भाई, आवाज आ रही, फिर इन्होंने काट दिया। भाई क्या कर रहे हो भाई, फिर नहीं कहना भाई कि हम अल्लाह यारी ने टाइम नहीं दिया। मैं अभी कुछ देर मजीद इंतजार करता हूँ भाई, ये लोग नहीं आ रहे, पता नहीं का क्या ड्रामा। ठीक है, मैं इनके इंतजार में। जी बिस्मिल्लाह, सलाम अलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से हो यार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर जी, अब आवाज आ रही है? तस्वीर है सामने, आ रही। तो सबसे पहले साहब, ये आपको गुजारिश है कि बात करने का जो उसूल है ये सर, आप बिस्मिल्लाह अपना नाम बताएं। नाम क्या आप? मेरा नाम नसीर अहमद है। पूरा नाम क्या? नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब, जी सर, जी। तो सबसे पहले जो है ना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि टाइमिंग, वक्त जो है ना, वो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दूसरे फरीक को बात करने का टाइम आप नहीं दे रहे। तो आपके जो मौलवी था ना, उन्होंने जिनका तस्वीर आपने लगाया था, उसको क्यों नहीं लिया? क्या है जब्बार साहब? इसकी तस्वीर कहाँ पे? तस्वीर मैं तस्वीर जब्बार साहब की थी, वो कोई और मौलवी था। कहाँ है उनकी तो तस्वीर? नहीं है, नहीं है, इंटरनेट पे उनकी तस्वीर दी थी ना उन्होंने, वो कह रहे थे उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, एक और मूवी था। नहीं नहीं, इंटरनेट पे सिर्फ आप ही की तस्वीर थी। ये देखो, ये चैलेंज है। जो और भी पोस्टर था ना, वो कोई मौली जब्बार था, वो आपके ग्रुप में? हमारे हमारे तरफ से सिर्फ आपके जो चैलेंज का जवाब हुआ था, और यही है आपकी तस्वीर है, बाकी हमारे तरफ से कोई। अच्छा, मैंने सिर्फ ये और भी पोस्टर मैंने देखे थे। अच्छा, वो जब्बार मौलवी आपके ग्रुप का है? हाँ हाँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का जो है ना, एक बहुत बड़े आलिम है माशाल्लाह। वो क्यों नहीं आया भाई, चैलेंज देके नहीं आता? उसने तो चैलेंज दी नहीं है, चैलेंज आपने दिए और हमने कबूल किए अहले इस्लाम की तरफ से, और मैं आपके सामने बैठा हूँ इस्लाम की तरफ से। अच्छा, क्या चैलेंज क्या है और क्या तलब कबूल किया, जरा बताएं, मैं समझा दें। चैलेंज तो आपने दिया था कि मेरे सामने आए और मेरे साथ बात करें, तो बात करने के लिए आ गए हैं, और हमने आपको एक उन्वान भी दिया हुआ है जो इस पोस्ट के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाई तस्वीर, इसमें मौजूद है कि शिया मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप अपने मजहबी उसूलों पर रहते हुए उसको इस्लाम साबित करें। ये तो हमारी आज की गुफ्तगू का जो है वो उन्वान है। तो चैलेंज आपने मेरा कहाँ देखा? आपने खुद मेरा चैलेंज देखा था, किसी और से सुना आपने? आपकी चैलेंजेस आपकी वीडियोस में चल रही है, और ये साथी हमारे पास भेज रहे हैं बहुत सी वीडियोस, आप कितनी आपको दिखाएं। तो मेरा चैलेंज क्या था? मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे? इसके मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे जो आपने कबूल किया? उसमें ये अल्फाज हैं कि ये जो उमरी और बकरी उलमा हैं, ये मेरे सामने आकर मेरे से गुफ्तगू की करते, तो हमने कहा कि आज नरजिसी आलिम के साथ बैठकर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक दफा फिर भी आपने इमाम ज़माना अलैहि सलाम के वालिदा का नाम लिया, तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूं। तुम जो मर्जी कह दो, आप अगर तुम जो मर्जी कह दो, तुम कह देना कि तुम कह देना बाग गया, मुझे परवाह नहीं है। देखो अदब देखो, अगर एहतराम तुझे आता है तो आपके साथ बात करेंगे, अगर अदब नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, अगर अदब नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से। मैंने आपको आपकी जुबान बताई कि आप कितने बाअदब हैं। अभी तो चले बिस्मिल्लाह करके, अगर तुमने देखे अजीजो देखे, मेरा बिल्कुल किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है जिसके पास अदब नहीं है, जिसके पास एहतराम नहीं है, जो ताहरीन अलैहि सलातो व सलाम के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखे अभी से आप शुरू है ना, उमरी उलमा कहते हैं तो ये आपका अदब है अली साहब? देखिए, मैंने आप जो बार बार बकरी और उमरी उलमा कहते हैं तो ये आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करना? लगा बात सुनो, मैंने अभी बात सुना, किसी आलम कहा तो आप नाराज हो गए। बस खत्म बात है, मैंने आपको वादा क्या था कि एक दफा मजीद कहें तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने बस खत्म बात यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मजहब इस्लाम नहीं है, कुफर है, आप उसको इस्लाम साबित करके दिखाएं। देखो अजीजो, यहाँ पर हम इसलिए नहीं आए हैं, अभी शुरू से आया है, कहता है कि मुसलमानों को तुमने चैलेंज दिया, यानी हम काफिर हैं। मैं इनको कहता हूँ कि तुम हमारे भाई हो, तुम मुसलमान हो और हम आपको मुसलमान मानते हैं, तो इसने शुरू ही यहीं से किया कि तुम काफिर हो, ठीक है ना। फिर मैंने अगर तुमको उमरी कहा तो तुम मुझे जाफरी कह दो, तुम मुझे अलवी कह दो, तुम मुझे हसनी कह दो, तुम मुझे हुसैनी कह दो। तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें हक नहीं है कि अहमद ताहरीन अलैहिस्सलाम की माओं के नाम ले लो, ठीक है ना। वो हमारे उनकी जो माए हैं, मुखद्दरात हैं, वो हमारे मजहब के इमाम नहीं है, और तुम बेअदबी के तौर पर उनके नाम लेते हो। तो मैं बिल्कुल, जब तुम मौली साहब, तुम पहले जाकर अदब सीखो, तुम्हारे जमात के आलमी से आदमी से हम बात करेंगे, लेकिन उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तुम अपने ग्रुप से कोई मुअद्दब इंसान को ना भेजो। पहले अदब सीखो, मुअद्दब आदमी को भेज दो, फिर तुम्हारे ग्रुप से बात करेंगे, ठीक है ना। तो तुझसे बात नहीं करूंगा नसीर अहमद साहब, दूसरे मौली को लाओ, तुझसे बात नहीं करूंगा मैं, तुम जो मर्जी कह दो।
तुम कह दो अल्लाह यार भाग गया, मैं भाग गया भाई। वइज़ा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल आपसे खिताब करे तो कह देना सलामा, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करता, मेरा आपसे कोई गुफ्तगू है ही नहीं भाई, ठीक है ना, मेरा तुझसे गुफ्तगू नहीं है, इसलिए कि तुम बेअदब इंसान हो, तुम्हें अदब नहीं है, तुम मुझे जाफरी कह दो, हमारे फिरके का नाम है जाफरी, मैं तुमको अहले सुन्नत नहीं मानता, मैं तुम्हारे इमाम का नाम है उमर, मैं तुम्हें उमर ही कह सकता हूँ, मेरा हक है, लेकिन मैं तुम्हारे उमर का मां तुम पे नाम नहीं रखता, ठीक है ना, तुम आके शुरू करते हो तहरीन अलैहिस्सलाम के नवामीस के खिलाफ बात करना, तुम्हारी अदब यही है, भाग जाओ यहाँ से, दूसरे आलिम को लेके आओ, तुम्हारे ग्रुप में बहुत सारे आलिम है, जब्बार को लेके आओ, मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, खत्म बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।